ये तो पकड़ने ही नहीं दे रही, ना ही फोटो लेने दे रही है। आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ही गरीब है, लेकिन ये बूटी ही कहते हैं ना, मस्ती वाली है, सब रुकी नहीं रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शैतान अलैहि रजीम, सुनते कानों और देखती आंखों को उज़ैर भाई का सलाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब दोस्त खैरत वाफियत से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो दोस्तों आज मौसम तो बहुत ही सुहाना बना हुआ है और आप यकीन भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिल वक्त हमारे गांव में जो दोस्तों टाइम हो रहा है वो दिन के तकरीबन 2 से करीब टाइम हो चुका है, और फिल वक्त यही सूरत हाल है जैसा कि सुबह के वक्त थी। चारों तरफ धुंधी धुंधे आप ये मुलाहजा कर सकते हैं, और मैं फिल वक्त आया हूँ अपने खेतों पर। तो दोस्तों ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। तो चलिए, सिकंदर जी चाय बनवाने गए थे, वो चाय बनवा कर वापस भी आ चुके हैं। तो चलिए चाय शाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों चारों तरफ धुंध हो और सर्दी का समा हो और वहीं पर चाय का तोहफा मिल जाए तो यकीनन ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो दोस्तों चलिए चाय को पीते हैं और उसी के साथ साथ इस मौसम की ठंड को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि सर्दियां जाते ही जाते हमें बहुत सी खुशियां देके जा रही हैं। अचानक अचानक ऐसा समा बन जाना यकीनन खुशकिस्मती की बात है। दोस्तों मैं खेतों पर ही था, बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी है आज, और ये आप धुंध मुलाहजा कर सकते हैं। फिल वक्त दरिया सिंध पर हूँ मैं, और ये चारों तरफ आपके सामने है ताज़ा तरीन सूरत हाल दरिया सिंध की। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड है, और उसी तरह आसमान भी देख सकते हैं कि वाइट ही वाइट हो चुका है धुंध की वजह से। दोस्तों सोचा कि आप दोस्तों को यहाँ का भी विज़िट करवा लूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, कहीं बीमार बीमार ना कर ले। दोस्तों चलिए, शुक्र खुदावंद मुताल, दोस्तों मैं घर पहुंच चुका था, और काफ़ी टाइम स्टे करने के बाद अब मैं जा रहा हूं अपने नाना के डेरे पर। वहां पर मेरी एक काव ने दिया है बच्चा, वो आपको दिखाने। और उसी के साथ साथ दोस्तों मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है, सूरज मियां भी निकल चुके हैं, और उसी के साथ साथ सर्दी का ज़ोर भी टूटने लगा है। तो बहरहाल ये भी अच्छी बात है, अचानक सर्दी भी आ गई और अब 2 दिनों के बाद सूरज भी निकल आया है। दोस्तों चलिए चलते हैं डेरे पर। दोस्तों फाइनली मैं डेरे पर पहुंच चुका, और ये रहे 2 प्यारे से बच्चे काव के, और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत और उसी के साथ साथ इंसानों की तरह बहुत ही फनी भी हैं। तो दोस्तों इनकी मोहब्बत भी देखने लायक है। चलें अब इन दोनों बच्चों की मैं आपको माएँ दिखाता हूं। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों दोनों बच्चों की तरह कहो कि दोनों माएँ भी एक साथ खड़ी हैं। दोस्तों ये मुलाहजा आप कर सकते हैं, एक ये रही माँ और दूसरी की ये, आप ये दोनों को देख सकते हैं। फ़िलहाल ये मसरूफ़ हैं अपनी घास खाने में। तो दोस्तों आपने इन दोनों बच्चों की माएँ तो मुलाहजा फरमा ली, लेकिन ये तो
पकड़ने ही नहीं दे रही, ना ही फोटो लेने दे रही। आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ही गरीब है, लेकिन ये बूटी ही कहते हैं ना, मस्ती वाली है। सब रुकी नहीं रही ताकि इसके साथ कोई चाट ले सके। बहरहाल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप हमें और हम आपको ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।